सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक और ब्लेंडेड स्कॉच को। जैसे आपने नाम तो पढ़ लिया होगा, वो है ड्वार्फ्स वाइट लेबल को। तो इसके बॉक्स को देखते हैं सबसे पहले अनबॉक्स करने से। अगर हम इसका बॉक्स देखते हैं तो काफी फ्लैट एंड टॉल सा बॉक्स है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो बॉटल होगी वो भी काफी टॉल सी होगी। सो यस, काफी टॉल बॉटल है इसकी। एंड ये रही हमारी ड्वार्फ्स वाइट लेबल। तो सबसे पहले हम बॉक्स को रख देते हैं साइड में और बात करते हैं ड्वार्फ्स वाइट लेबल की थोड़ी हिस्ट्री की। ड्वार्फ्स वाइट लेबल 1846 में लॉन्च की थी जॉन ड्वार्फ्स ने। जॉन ड्वार्फ्स सीनियर रहते थे उन्हें। उसके बाद ये काफी लो की विस्की थी, ज्यादा जेंटलमैन विस्की नहीं थी। उसके बाद जब इनके सन जॉन ड्वार्फ्स के बेटे ने कंपनी को मैनेज करना शुरू किया, जिसको जॉन ड्वार्फ्स जूनियर कहते थे, उसके बाद से ये रीब्रांड हुई कंपनी। और उसके बाद से इसने काफी ग्रिप पकड़ी मार्केट में। और अगर बात करें तो इस कंपनी को उसके बाद बकाड़ी ने टेक ओवर कर लिया। जैसे बकाड़ी इतना वेल नोन और बहुत बड़ा नाम था उस टाइम पे, और अभी भी है। जब बकाड़ी ने वाइट ड्वार्फ्स कंपनी को टेक ओवर किया, उसके बाद से ये बहुत ही ज्यादा कंट्रीज में इजीली अवेलेबल होने लगी। और उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी वो काफी एक्सटेंसिव थी कि इसकी पॉपुलैरिटी कंपैरेटिवली ज्यादा हो गई। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी पॉपुलैरिटी की। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ये अब थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। जब ये इंडिया में लॉन्च हुई थी तब ये इतनी पॉपुलर नहीं थी, ज्यादा लोग इसको प्रेफर नहीं करते थे। बिकॉज इस प्राइस रेंज पे ब्लैक डॉग, 100 पाइपर्स और रेड लेबल जैसे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश थे। बट आज की डेट में अगर बात करें तो इस प्राइस पॉइंट पे, जो कि वाइट लेबल का है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके अपना टेस्ट अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो ड्वार्फ्स की तरफ मूव करते हैं। अब मैं आपको इस बॉटल को थोड़ा सा क्लोज लुक देता हूं, दिखाता हूं। ये ऐसी बॉटल दिखती है और काफी क्लासी सी बॉटल है। एंड इसमें अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, काफी यूनिक है, जो शायद आपको नजर ना आए, बट आई ट्राई। यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट है और यहाँ पे ये एक दो तीन सिंपल इंग्रेडिएंट है। तो मैं बताता हूँ ये बेसिकली क्या है। अगर हम इसकी बात करें, जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट हो रखी है वो लिखा है द मेटल स्कॉच। ये एक मेटल स्कॉच है। अब मेटल स्कॉच क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इस विस्की ने, इस स्कॉच ने 500 से ज्यादा मेडल्स जीते हैं कॉम्पिटिशन में। पीछे ये तीन मेडल्स का यहाँ पे इंग्रेविंग हो रखी है। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो यहाँ पे लिखा है लंदन 1888, 1888, पेरिस 1889 एंड एडिनबर्ग 1886। तो ये तीन मेडल्स तो इन्होंने यहाँ पे इंग्रेव कर रखे हैं। अभी मैंने और बॉटल्स नहीं देखे कि शायद दूसरी बॉटल्स पे दूसरी कंट्रीज के और कोई मेडल्स हो। अगर आपने ऐसा कभी नोटिस किया है ड्वार्फ्स में, ड्वार्फ्स की बॉटल में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी बॉटल पे कौन से मेडल्स थे। बट जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दैट इट इज गोल्ड एंड प्राइस 500 मेडल्स। तो ये इतना आसान नहीं है होता कि अगर एक विस्की को इतने सारे मेडल्स जीतना, क्योंकि जब एक कॉम्पिटिशन होता है तो बहुत सारे कंपनीज के विस्की के साथ कंपटीशन होता है। और वो प्राइस ऑफर करने वाला बंदा काफी स्मार्ट है। वो हर एक विस्की को, हर एक डिस्टिलरी की विस्की को, स्कॉच को, ब्लेंडेड स्कॉच को टेस्ट करता है और उसके बाद जाके मेडल देता है। और अगर ड्वार्फ्स जीत के आई है तो मतलब कुछ तो बात होगी इसमें। अब बात करते हैं इसके प्राइस पॉइंट की। तो ये दिल्ली में 1560 रुपए की है। पहले थोड़ी सी एक्सपेंसिव हुआ करती थी, अब सारे प्राइजेस को रिकंसीडर करके जो डेली में प्राइस अभी लेटेस्ट चल रहा है उसमें ये 1560 की है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि लोग ब्लैक लेबल, सॉरी ब्लैक डॉग, रेड लेबल, वैलेंटाइन, 100 पाइपर्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि वो प्राइस पॉइंट पे थोड़ी सी सस्ती है, इतनी ज्यादा लेकिन जैसे कि रेड लेबल जो है और जो हमारी वैलेंटाइन है वो 1410 की है, तो लोग वो ज्यादा रिकमेंड करते हैं दूसरों को भी और खुद भी वो प्रेफर करते हैं। बट हाल फिलहाल में इसने, ड्वार्फ्स ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी है और अब लोग इस पे भी स्विच कर रहे हैं कि 1560 की है डेली में। तो आइए चलिए इसको थोड़ा सा पोर करते हैं। और ये रहा मेरा ग्लास।
जोर्स की अगर मेरी खासियत होता हो तो इट्स अ काइंड ऑफ अ लाइट विस्की. बहुत लोग पसंद करते हैं इस विस्की को. आज हाल फिलहाल में करना शुरू कर दिया है और काफी रेप्यूटेड विस्की है. मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कभी भी जब आप कोई भी स्कॉच नहीं, और अगर आप ऑन द रॉक्स लेते हैं, अगर आप आइस में लेते हैं, या आप जो फ्रोजन मेटालिक आइस आते हैं अगर आप उसमें भी लेते हैं, तो आप हमेशा थोड़ा सा पानी जरूर ऐड करें ताकि जो उसका फ्लेवर है वो एनहांस हो जाए. जैसे कि मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा ताकि इसका जो वो फ्लेवर है, अरोमा है, वो थोड़ा सा बूस्ट करे. सो अगर पहले मैं कलर की बात करूँ तो कलर इसका पेल येलो है. ये बहुत ज्यादा डार्क कलर की स्कॉच नहीं, आप देख सकते हैं एम्बर तो उसका कलर है नहीं, ये पेल येलो कलर है. मेरे पास इसमें कैरमल यूज हुआ है इसलिए इसका कलर पेल है. आप करते हैं नोजिंग की बात. काफी अच्छे से नोट्स हैं इसके, काफी सूदिंग नोट्स हैं. अगर मैं बात करूं तो मुझे थोड़ा सा वुडी नोट इसमें आ रहे हैं, जैसे ओक जैसे नोट्स होते हैं, फ्रेग्रेंस वैसी है वुडी ओक. काफी फ्रूटी फ्रेग्रेंस है इसके, काफी सिट्रस टाइप फ्रेग्रेंस है इसके. जैसे कि अगर मोर अगर इसको मैं बॉटम लाइन दूं तो थोड़ा सा स्वीट एंड सिट्रसी फ्रेग्रेंस है इसकी. मैं जनरली एक ब्लेंडेड स्कॉच में स्मोक को देखता हूँ, ढूंढता हूँ, स्मोक को लुक कर रहा हूँ, बट ऐसा स्मोकीनेस मुझे इसमें नोट में नहीं आ रहा है. टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट पे देखते हैं कि पैलेट पे इसका क्या फ्लेवर आता है. जिस तरीके से जैसे इसके नोजिंग पे नोट्स हैं, क्या पैलेट पे कैसे नोट्स आते हैं. मैंने एक चीज शुरू करी है कि अब मैं आपको पैलेट्स पे तीन पैलेट पे टेस्टिंग बताऊंगा कि मेरे इनिशियल नोट्स क्या है, मिड नोट्स क्या है, और हमारे एंडिंग नोट्स एक स्कॉच में कैसे हैं. तो इसको ट्राई करते हैं. This is like really good. बहुत अच्छे नोट्स हैं. अगर मैं स्टार्टिंग नोट्स बताऊं, इनिशियल जो नोट है, जैसे आप इसको सिप करेंगे तो आपको ये थोड़ी सी चिमबिम जैसी लगेगी, थोड़ा सा जैसे कि वुडी और ओक वुड जो होता है वो जनरली बर्बन कास्ट में यूज होता है. तो बर्बन में जैसा फ्लेवर आता है, इनिशियल नोट आपको ये मैं अगर बताऊं थोड़ा सा जिम बीम जैसा पंच देगा. और अगर मिड नोट्स की बात करूं तो मिड नोट्स में थोड़ा ये सिट्रसी है, जैसे कि वेनिला इसमें यूज हो रखा हो, वेनिला प्लस सिट्रसी नोट्स हैं इसके. एंड जो इसके एंडिंग नोट्स हैं वो मुझे थोड़े से बिटर लगे एंड स्मोकी लगे. जो एक हम ब्लेंडेड स्कॉच में देखते हैं ज्यादातर जो होता है, जैसे कि रेड लेबल या जो कॉम्प्लेक्स स्कॉचेस आती हैं, उसमें हम स्मोकीनेस ज्यादा हमें मिलता है या प्रेफर भी करते हैं. पर इसमें ऐसा स्मोकीनेस नहीं है. स्मोकीनेस है वो काफी एंड साइड पे है. जब आप बिल्कुल इसको सिप कर लेंगे, सिप डाउन हो जाएगा ये, तब जो एक अरोमा आता है तब इसमें थोड़ा सा वो स्मोकीनेस है. एकदम से आपको इतना स्मोकीनेस नहीं आएगा. बहुत सिंप्लीफाइड स्कॉच नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्कॉच है. जैसे मैंने आपको बताया इसके तीन नोट्स हैं, इनिशियल नोट्स मैंने आपको उसको वुडी बताए, मिड नोट्स के थोड़े सिट्रसी ये फ्रूटी एंड काइंड ऑफ वैनिला नोट्स हैं, और जो इसके एंडिंग नोट्स हैं वो इसके थोड़े से बिटर और स्मोकी है. तो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ वेरी सिंपल स्कॉच. जैसे कि बहुत सारी स्कॉच काफी सिंपल होती है, जैसे कि मुझे वैलेंटाइन काफी एक सिंपल स्कॉच लगती है कंपैरेटिवली To compare it to red label, mujhe kaafi complex lagti hai. To complex hai, aisa nahi hai ki kaafi zyada simple hogi, but soothing bahut hai, kyunki jo smokiness hai wo inke end notes mein hai, ekdam se nahi hai. Woody flavor iska bahut acha hai, bahut hi zyada acha hai, aur jo citrus ka balance hai wo outstanding hai. Agar aap is range ki 1500-1600 tak ki range ki scotch prefer karte hai, to I suggest ड्वार्फ्स आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा. नोजिंग पे ये मुझे लगी काफी प्लेजेंट, और इसको मैं देना चाहूंगा नोजिंग पे 4.1 out of 5. और अगर इसकी टेस्टिंग की बात करें, टेस्ट पे भी ये मुझे बहुत अच्छी लगी. अगर मैं कंपेयर करूँ प्राइस एंड टेस्ट
दोनों को कंपेयर नहीं, अगर दोनों को साथ कंसीडर करके चलो तो प्राइस पॉइंट पे, इस प्राइस पॉइंट पे, इस तरीके का टेस्ट पे, इसको मैं देना चाहूंगा 4.3 out of 5. ओवरऑल अगर देखे तो 4.2 out of 5 फ्रॉम माई एंड. बहुत अच्छी स्कॉच है. सो 1500 के रेंज में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. सो गाइस प्लीज इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि जब आपने सबसे पहली बार डुअर्स ट्राई करी थी व्हाइट फ्लेवर तो वो आपको कैसी लगी, और जो इसके एज वर्जन है उसमें से सबसे बेस्ट वर्जन कौन सा है. टिल देन गाइस स्टे कनेक्टेड और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.